यूं तो हमारे देश में राजनीति का एक अलग ही महत्व है, लेकिन काम कौन किस दिशा में कर रहा है ये महत्वपूर्ण होता है। आज हम बात करते हैं ऐसी एक शख्सियत जिन्होंने पत्रकारिता जगत में एक अलग ही पहचान बनाई है, चाहे वो किसी भी हद तक क्यों न जाए। इन्होंने अपनी पत्रकारिता के दम पर अच्छे अच्छे नेता और IAS IPS को जमीनी हकीकत से नतमस्तक कर दिया है। हम आज जिनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं, छोटे से गांव में जन्मे और मध्य प्रदेश के पिछड़े जिले श्योपुर से चलकर भोपाल में अपने जीवन का सफलतम सफर तय किया और अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को मिटाने चले गए। जी हाँ, उनको किसी को साक्ष्य देने या बताने की आवश्यकता नहीं है। श्री सुरेंद्र शर्मा ने आज इस महामारी के समय में गरीब, निसहाय और मजदूर की ये दशा देखी और जिस मध्यम वर्गीय परिवार जो देश और समाज की धुरी माना जाता है, उनकी वर्तमान सरकारों और विपक्षी दलों द्वारा किसी तरह की सहायता न करना और सरकार के प्रलोभनों से ठगी का शिकार होते देख आत्मग्लानि महसूस होने से वर्षों से बंद पड़ी अखंड भारत साम्राज्य पार्टी का मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव से पूरी ताकत के साथ जमीन पर पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। जब जून की पहली तारीख के साथ मध्य प्रदेश के भ्रमण पर निकले तो श्री शर्मा के चाहने वालों का जगह जगह पर रोक कर स्वागत करने का हुजूम नजर आया। गुना, दतिया, ग्वालियर, मुरैना और अंबा तक स्वागत कर अपनी ताकत दिखाई और विजय पथ पर पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की प्रतिज्ञा की। अखंड भारत साम्राज्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र शर्मा द्वारा श्योपुर जिले के विजयपुर तहसील में क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कर श्री बाबूलाल त्यागी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा श्री जसवंत शर्मा को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया।